छत्तीसगढ़ के कांग्रेस प्रभारी दीपक बैज इस समय हमारे साथ हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं कि एक बहुत बड़ी पराजय का सामना करना पड़ा, क्या कारण है? देखिए, छत्तीसगढ़ में जिस तरह से परिणाम आए वो उतनी उम्मीद नहीं थी। कांग्रेस की सरकार ने 5 साल बेहतर काम किए, अच्छा काम किए, उन योजनाओं को लेकर जनता तक गए और आने वाला समय में कौन से काम करने वाले उनको लेकर हम जनता तक गए। लेकिन जिस तरह से परिणाम आया तो भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद भी नहीं था, उनके नेताओं को उम्मीद भी नहीं था कि इस तरह से परिणाम आएगा। लेकिन जो परिणाम आया हम लोग जनादेश को स्वीकार कर रहे हैं। क्या लगता है आपको कहाँ चूक हुई? देखिए, कहाँ चूक हुई, कहाँ कमी रह गई, अब ये तो समीक्षा का विषय है। पार्टी अपने स्तर पर व्यापक रूप से इसका समीक्षा करेगी। घोषणा पत्र में बीजेपी ने 12,000 रुपए साल देने की बात की थी, उसके बाद 2 दिन बाद आपका घोषणा पत्र जारी हुआ, उसमें आपने 15,000 की बात की, तो ऐसा तो नहीं कहीं कि 2 दिन पहले इनका जो घोषणा पत्र हुआ उसमें महिलाओं से ज्यादा? देखिए, सिर्फ 12,000 का सवाल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में आप 3100 धान का समर्थन मूल्य देने का, एकमुश्त देने का, 500 रुपए सिलेंडर देने का, ये तो केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में है, केंद्र निर्णय करती है। हम तो देखना चाहेंगे ये सिर्फ छत्तीसगढ़ में देंगे या पूरे देश के लिए है। 500 रुपए गैस सिलेंडर सिर्फ छत्तीसगढ़ को देंगे या पूरे देश के लिए है? 3100 रुपए सिर्फ छत्तीसगढ़ को देंगे या देश के लिए है? ये तो देखने वाली सवाल है। कोई दिक्कत नहीं, सरकार बनी है, बधाई। हम तो चाह रहे जो वादा किए जल्दी लागू करे, पूरा करे। छत्तीसगढ़ की जनता को इसको लाभ मिलना चाहिए, ना कि यही चुनाव पूरे 5 साल लाभ मिलना चाहिए, ना कि चुनाव से 1 साल पहले। बुलडोजर छाया हुआ है छत्तीसगढ़ में। कोई बुलडोजर नहीं है, ये सिर्फ दहशत और डरा के गरीबों के पेट में लात मार रहे हैं। बुलडोजर किस पे चल रहा है? किसी अमीर व्यक्ति पे या बड़े आदमी पे चलते हुए थे हम लोगों ने तो नहीं देखे। बुलडोजर एक गरीब के ठेले पे चल रहा है, गरीब की घुमटी पे चल रहा है, गरीब के पान चाय टेला पान टेला पे चल रहा है, जिसका रोजी रोटी उस पे चल रहा है। तो उनके लिए कोई रास्ता निकालने के बजाय उनको उनके ऊपर बुलडोजर चलाना भारतीय जनता पार्टी का, मैं समझता हूँ कि एक डराने और दहशत फैलाने का राजनीति है ये। इसको लिए मैं समझता हूँ कि छत्तीसगढ़ में ये सही नहीं है। छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री को कैसे देखते हैं आपकी होना चाहिए? अब देखिए, सरकार तो भारतीय जनता पार्टी का बना है, वो किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे, कौन बनेगा, किसको बनाना, ये तो उनका निर्णय है। लेकिन जिस हिसाब से अगर चर्चाएं चल रही है कि आदिवासी को कि बनाने की संभावनाएं हैं, तो मैं तो स्वागत करूंगा, निश्चित रूप से बनाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में भी हमारे पास कई आदिवासी नेताएं योग्य हैं, काबिल हैं, कई सांसद रहे, विधायक रहे, मंत्रियां भी रहे, केंद्रीय मंत्री आ रहे, राज्य में मंत्री आ रहे, अगर बनाते हैं तो निश्चित रूप से मैं तो स्वागत करूंगा। ये थे दीपक बैज, कांग्रेस के अध्यक्ष थे और बाकायदा ने सारे प्रश्नों का जवाब दिया। मुख्यमंत्री की बात के ऊपर कहा कि उनका निर्णय है कि मुख्यमंत्री किसको बनाना चाहिए। रायपुर से महेंद्र रामदेव, छत्तीसगढ़ तक के लिए।